दिस इज मोहम्मद हारून वंस अगेन। काफी दिन हो गए, उसके लिए माफी चाहेंगे। थोड़ा ऑफिस में इतना बिजी रहने लगा हूँ और हमारे यहाँ मॉक टेस्ट भी चल रहा है, उसी सिलसिले में इतना ज्यादा बिजी रहने लगा हूँ कि वक्त नहीं मिला कि जो वीडियो का आपसे वादा किया था मैंने वो बना सकूँ। फिर भी किसी तरह आज वक्त निकाल के कोशिश करा कि इससे पहले कि आप मुझे भूल जाए मैं अपनी याद दिला दूँ। तो मुद्दा ये था वीडियो का कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्रैक किया जाए। इस सिलसिले में हम लोगों ने पहले एक वीडियो और बना लिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लें एक बार। वो जो मेरे अपने ऑब्जर्वेशन थे वो किसी भी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कॉमन था। आज जिस सिलसिले में हम बात करेंगे वो स्पेसिफिक होगा वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही होगा, ये मेरा अपना ओपिनियन होने वाला है। आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप वहां भी जरूर देखें, उसके बाद आप अपनी एक कंक्लूजन ड्रॉ करें कि क्या आपके लिए सही होने वाला है, क्या आपके लिए सही नहीं होने वाला। क्योंकि मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर है, डेफिनेटली आपका अपना कुछ एक्सपीरियंस होगा। जैसा कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, उसी तरह हर आदमी के प्रॉब्लम्स भी एक जैसे नहीं होते हैं, और प्रॉब्लम्स एक जैसे नहीं है तो सॉल्यूशन एक जैसा होना कोई सवाल नहीं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे दो बातों पे डिस्कस करने का। नंबर वन ये कि WBCS में जो एग्जाम का पैटर्न है, मेरे हिसाब से मैंने क्या ऑब्जर्व किया, उसमें क्या चेंजेस हुआ है, क्या करना चाहिए और कैसे स्कोर किया जाए, कितना पढ़ना चाहिए, इन सब चीजों पे। दूसरा जो साइड है आज के डिस्कशन का वो ये होगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या नहीं करना वो ज्यादा जरूरी है क्या करने से। क्यों जरूरी है नहीं जरूरी है ये तो वीडियो के आखिर में पता चल जाएगा, आपको होपफुली पसंद आएगा। जो पिछली बार की तरह इस बार भी आपके जो रिस्पॉन्स है उम्मीद करता हूँ कि वो पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि जो कमेंट्स आए हैं वो काफी मोटिवेटिंग है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने पहले नहीं बोला है, लेकिन मुझे बहुत डर था कि कहीं इसके रिएक्शन सही ना आए, बट जितने भी आए वो अच्छे आए। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपको पसंद आएंगे और मैं आपके लिए कुछ और कर पाऊंगा। कुछ चीजें हम लोगों ने प्लान कर रखी है, हम लोगों से मुराद सिर्फ मैं नहीं हूँ, रेस इंस्टीट्यूट भी है जिसके बैनर के जरिए मुझे ये प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिल रहा है, और उनके जो मैनेजमेंट टीम है स्पेशली एहसान वसीम सर, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने मजबूर कर दिया मुझे कि फाइनली यूट्यूब पे आया जाए। और कुछ और चीजें हम लोगों ने प्लान कर रखी हैं आहिस्ता आहिस्ता। पहली चीज तो टेस्ट सीरीज थी, तो अल्लाह के फजल से वो बिल्कुल सही जा रहा है। अब तक दो सीरीज, दो टेस्ट हुआ है, चार और होने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सब मिलकर वो उसको भी अच्छा करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो भी चीजें नहीं हम लोगों ने सोची है इम्प्लीमेंट करने की, आपके साथ वो वक्तन वक्तन शेयर होते रहेंगे। तो ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं कि WBCS में WBCS में मार्क्स कैसे स्कोर किया जाए। सबसे बड़ा मसला किसी भी एग्जाम का है मार्क्स स्कोरिंग, ठीक है ना। अब तो क्या नहीं करना है वो तो खैर मैं बाद में बोलूंगा, क्या करना है मैं उसको पहले बात करता हूँ। क्या करने के लिए पिछले वीडियो को अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो मैंने एक बात करी थी एनालिसिस की। एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एनालिसिस में पढ़कर भी एनालिसिस किया जा सकता है, सुन के भी किया जा सकता है, लेकिन मेरा यहाँ पे मुद्दा था एनालिसिस का जो सबसे ज्यादा, वो क्वेश्चन पेपर्स को देखकर। क्वेश्चन पेपर्स को देखकर कुछ चीजें एक मिथ की तरह दिमाग में बैठा दी गई है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपका बहुत लॉस हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते हैं, रिपीट होते हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस या बहुत सारे तर्क आते हैं। वीडियोस का तो मुझे मालूम नहीं है, मैंने देखा नहीं है ज्यादा, लेकिन इन पर्सन जितने लोगों से मिला हूँ ज्यादातर, या जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ ज्यादातर के दिमाग में ये चीजें बैठा दी गई है। इसके बैठाने का एक बहुत बड़ा कारण था एक बुक जिसका नाम है स्कैनर। इस बुक की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका सेल बहुत ज्यादा है, और उसका सेल ज्यादा होने का एक ही कारण है कि इससे रिपीट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ एनालिसिस किया है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का खास कर मैंने किया है। मैं पूरा तो डिटेल नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं जस्ट आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ कि मैंने हिस्ट्री में जिस तरीके से मैंने नोटिस किया है वो क्या है। एक है एंशियंट, मेडाइवल, बिफोर 1857,
आफ्टर 1857 एंड आईएनएम, जिसको गांधीयन एरा भी हम लोग बोल दे तो कोई गलत नहीं होगा। बेसिकली यही पांच सेक्शन है जिसमें हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो। और अगर हम 2002 से इसको मूव करना शुरू करें तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो देख अब तक नोटिस किया, कुछ फिगर्स इधर उधर हो सकते हैं, एक ओवरऑल एक जस्ट ओवरव्यू है कि एंशियंट के क्वेश्चन टोटल 11 आए थे, मिडाइवल के 12 आए थे, बिफोर 87 वन, आफ्टर 1857 11 और आईएनएम के 15 क्वेश्चन। 2021 में यही डेटा अगर हम देखें तो क्या था, दो एंशियंट के थे, मिडाइवल के 3 थे, बिफोर के 6, यहां 13 और ये 19। 2020 की बात करें जिसमें मैंने क्वालिफाई किया था, आप लोग की दुआओं से और आगे भी तरक्की करूंगा इंशाल्लाह, तो उसके कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे थे। मैंने टोटल 5 सालों का डेटा रखा है, या बोल सकते हैं 2017 तक का मैंने इसको कवर किया है, उसके एक अपने कारण थे, कुछ फ्लक्चुएशन हुआ था वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, मैंने अपने हिसाब से जो फ्लक्चुएशन ऑब्जर्व किया है। अदरवाइज जितना डेटा लिखा जा चुका है स्क्रीन पर ये काफी है समझने के लिए कि क्या चेंजेस हो रहा है और कैसे चेंजेस हो रहा है। चलिए इतना काफी है, 5-4 साल हुआ ना, 1 साल और ले लेते हैं 2018। नाउ अब यहाँ पे आप देखो कि अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो एंशियंट के जो क्वेश्चंस थे उनमें कुछ चेंजेस आया है। चेंजेस क्या आया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 11 था, इसके पहले कहीं भी आपको बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं था। 18 को छोड़ दे, अगर आप 17 में चले जाए तो 17 में आपका जो फिगर था वो था 2017 में 6, 10, 6, 13, 16। इसके पहले मैं नहीं गया था क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन में कुछ चेंजेस आना शुरू हो गया था। हम लोग नए पैटर्न की बात कर रहे हैं जो उसमें कुछ फ्लक्चुएशन ज्यादा हुए। अब आप नोटिस करो तो देखो कि एंशियंट में इस बार क्वेश्चन ज्यादा था, अदरवाइज क्वेश्चन कुछ बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। मिडाइवल के क्वेश्चन 19 को अगर हम एक्सेप्शन में रखें तो सारे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली एवरेजली 9 से 10 क्वेश्चन थे। बिफोर 1857 आप नोटिस करें तो आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हुआ है, ये एक्सेप्शन था, उस साल काफी कुछ चेंजेस हुआ था, इसके बाद क्वेश्चन भी चेंजेस आने लगे इसलिए आपको फिगर ज्यादा नजर आ रहे हैं। अदरवाइज मिडाइवल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते थे 1857 से पहले वाली पार्ट। 1857 के पार्ट को हम लोग मॉडर्न इंडिया में जब जोड़ते हैं तो आईएनएम और मॉडर्न इंडिया ये दोनों मिलाकर मॉडर्न इंडिया जिसमें आपका जो औरंगजेब की डेथ के बाद से शुरू होता है और 1857 तक खत्म हो जाता है, इसमें एक अलग परसेप्शन है और 1857 से लेकर 1947 तक इसमें एक अलग परसेप्शन है। ये दोनों में हम लोगों ने अलग अलग डिवीजन किया। अब आप जब नोटिस करें तो आपके सामने डेटा अवेलेबल है, आप खुद देखिए कि आउट ऑफ 25 यहाँ पर कितने क्वेश्चन है। आईएनएम से 25 अलग से क्वेश्चन आते हैं और बाकी क्वेश्चन मिलाकर 25 होता है, ओवरऑल दोनों मिलाकर 50 होना है, तो कभी ज्यादा कभी कम हो ही जाता है। और मैं ये जस्ट रफली एक फिगर बनाया हूं, तो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, मैंने पहले ही भी कहा है कि वक्त बड़ी मुश्किल से निकल पा रहा है, तो जस्ट मुझे एक जो बोलना है उस मुद्दे के लिए मेरा ये फिगर काफी है। एक और चीज मैं आपको यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, इसी में जियोग्राफी का भी मैंने एनालिसिस किया था, मैंने 2 पेपर का ही एनालिसिस किया था जियोग्राफी और हिस्ट्री का, 4 टॉपिक्स इसमें मैंने देखे वेस्ट बंगाल, इकोनॉमिक जियोग्राफी, इंडियन फिजियोग्राफी और एक आता है वर्ल्ड 22, 21, 20, 19, 18। वेस्ट बंगाल के फिगर से 7, 7, 9, 13, 8। इकोनॉमिक जियोग्राफी ना, ये दो ही ये ईयर है मेरा, ठीक है, ये 2021 है, 2020 एंड सो ऑन ये मूव कर रहा हूं।
मैंने यही दो चैप्टर सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया है क्योंकि इन्हीं में सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, बाकी सब्जेक्ट्स के में फ्लक्चुएशन के चांसेस कम है, हर एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है। अब देखिए, हिस्ट्री के साथ सबसे बड़ा मिथ ये है कि ये बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, मैंने क्या बुक लिस्ट को फॉलो करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में मैं लास्ट में मौका मिला तो आज बात कर लूंगा, नहीं तो फिर कभी एक उस पर बात होगी। लेकिन सबसे ज्यादा डर, या जब मैंने WBCS में पहली मरतबा क्वालिफाई किया था या जब शुरू में कदम रख रहा था तो मुझे कुछ किताबें बताई गई थी, मैंने बेवकूफ़ी में एक दो बुक्स खरीद भी ली थी, पढ़ा मैंने एक बार तो मुझे लगा नहीं कि वो मेरे लिए सफिशियंट था, मैंने दोबारा उसको पढ़ा नहीं और आज भी मैं किसी को उसको पढ़ने को रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे उससे स्कोर कितना होने वाला है ये सबसे पहले जवाब चाहिए। ये सारा एनालिसिस मैंने प्रीलिम्स का रखा है, मेंस पे मैंने अब तक कोई बात नहीं करी है, मैंने उस पर काम भी करना स्टार्ट नहीं किया है, थोड़ा वक्त मिले तो मैं मेंस पे भी कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो उस पर बात कर लूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ प्रीलिम्स पे भी फोकस किया है। तो प्रीलिम्स में आप देखिए, अगर इसको एक छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम थे, मिडाइवल में क्वेश्चन ज्यादा थे, आफ्टर 1857 इन दोनों को मैंने मॉडर्न इंडिया में इंक्लूड कर रखा है तो मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे थे, उसमें भी आप देखें तो INM में सबसे ज्यादा, INM में 1905 से लेकर 1919 तक का एक पीरियड है और गांधीयन एरा को हम लोग 1915 से नहीं लेकर 1919 से ले, या ज्यादा बेटर है 1917 से ले चंपारण से, तो इससे ज्यादातर क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से आते, इंडियन नेशनल मूवमेंट असल में यहीं पड़ता, कांग्रेस वगैरह से क्वेश्चन गाये बगाए आते हैं, बहुत ज्यादा रेगुलर क्वेश्चन तो है नहीं, इक्का दुक्का रिपीटेड क्वेश्चन है सेशन का, वो भी बहुत रेयर आने लगा था। तो अब थोड़ा सोचिए आपके, अगर ये फिगर है तो पढ़ा कहाँ से जाए, इतने से क्वेश्चंस के लिए अगर आप मतलब लाइब्रेरी चाटने लगे तो फिर आप स्कोर कैसे करेंगे। बाकी के लिए नहीं देखिए तो सिर्फ आप एंशियंट के लिए देखिए, देखिए मेरे हिसाब से अगर आप ल्यूशेंट एक बुक है ना इसको पढ़ते हैं ये एनफ हो जाना है। खैर कैसे पढ़ेंगे मैं उस पर थोड़ी देर में आता हूँ, जस्ट थोड़ी देर में। एक ज्योग्राफी की आप देखिए, जो क्वेश्चन के नंबर्स हैं वो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है जो मेंटेन किए गए थे, सिर्फ एक बार ज्यादा आ गया था वो इत्तेफाक की बात थी, अदरवाइज इतना आता नहीं है, 7-8 क्वेश्चन आप एवरेज देख सकते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या आता है, डैम्स कितने कहाँ है, न्यूक्लियर प्लांट कितना है, ठीक है, आईलैंड आपका पावर प्रोजेक्ट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इटीसी, ये सब आते हैं। और इंडियन फिजियोग्राफी में सबसे ज्यादा जो कवर होता है वो आता है आपका हिमालय, सबसे ज्यादा कवर होने वाला टॉपिक है, दूसरा है रिवर सिस्टम, तीसरा अगर बच जाता है तो थोड़ा सा आपका प्लेन वगैरह पे क्वेश्चन आ जाता है, वरना इसके चांसेस कम होते हैं, यही आता है। हाँ एक क्वेश्चन है रिपीटेड, थोड़ा सा मानसून के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ऊपर के तीन पार्ट में ही रहते हैं, उनमें से भी बात करें तो फर्स्ट टू पार्ट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि मेरी ज्योग्राफी बहुत ही खराब थी, इवन आज भी खराब है, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कैसे पास किया होगा, मैंने ऐसे ही पढ़ा है। ये डैम, न्यूक्लियर पावर प्लांट, पावर, अदर पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह मैंने मैप की मदद से पढ़ा था, मैप्स ऑफ इंडिया एक वेबसाइट हुआ करता था, अभी भी है, वहां से मैंने कुछ मैप्स डाउनलोड किए, उस पर मार्किंग ऑलरेडी की हुई थी, उस मार्किंग की वजह से बहुत कम मेहनत के साथ मुझे बहुत सारी चीजें मालूम हो गई। एक और चीज होता है कि जियोग्राफी में रैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, रैंकिंग स्टेट वाइज कि किस स्टेट का प्रोडक्शन किस आइटम में ज्यादा है, स्टेट वाइज प्रोडक्शन। अब आप बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि एक किस्मत भी चीज होती है, मेहनत के अलावा किस्मत भी शायद आप पर मेहरबान हो जाए तो आपकी मंजिल आसान हो जाती है। मैं जब 2020 का एग्जाम देने जा रहा था तो एग्जाम देने से कुछ दिन पहले हमारे ही रेस इंस्टीट्यूट के एक बहुत बेहतरीन टीचर हैं एहतशाम रागिब सर, वो जियोग्राफी भी पढ़ा लेते हैं और हिस्ट्री के तो बहुत अच्छे टीचर हैं, तो उन्होंने अपना एक नोट्स बनाया था जिसमें 2-3 पेजेस की तस्वीर मुझे उन्होंने भेजी थी, यही स्टेट वाइज रैंकिंग प्रोडक्शन मिनरल्स का और कुछ ग्रेन्स वगैरह का। इत्तेफाक से 2 या 3 क्वेश्चन मेरा एग्जाम में मैच कर गया था, 2 या 3 क्वेश्चन मैच कर जाना मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये प्रीलिम्स में मैच किया था, मेंस में तो खैर थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे तो और भी एडवांटेज मिल जाते हैं अगर आप सही से पढ़ के जाते हैं तो, बट मेंस का किस्सा मैं बाद में बात करता हूँ, आज तो प्रीलिम्स पे ही रहते हैं।
तो उन्होंने ये नोट्स मेरे को अपना दे दिया था, एक एक या दो पेजेस का एक लिस्ट था इस तरह का। उन्होंने बड़ी मदद की थी मेरी। इस तरह से मैंने बहुत ब्रीफ स्टडी करके ज्योग्राफी में मार्क्स उठाया। ज्योग्राफी में मार्क्स उठाना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। दो सब्जेक्ट में मार्क्स उठाना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। इवन अगर मैं आज भी एग्जाम दूँ तो मुझे डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। एक है ज्योग्राफी और एक है बायोलॉजी, ये दोनों मेरे पल्ले नहीं पड़ते। तो समझ सकते हैं कि अगर मैंने क्वालिफाई किया है तो मार्क्स तो डेफिनेटली उठाया होगा ना। बिना मार्क्स उठा तो क्वालिफाई नहीं कर रहा हूँ। मेरी पहचान में पार्थो चैटर्जी नहीं है, तो बड़ी मुश्किल है कि कोई मेरे को जॉब दिला दे। इसी तरह करके मैंने पास करा है, ऊपर वाले की मेहरबानी रही थी। तो मैं एक और बुक की यहाँ पे तारीफ करूंगा। ये तरुण गोयल, एक जीके की बुक आती है तरुण गोयल की। मेंस में कई सारे क्वेश्चंस इस बुक से उठाए गए थे। मैं अकेला नहीं था ऐसा बोलने वाला, कई सारे लोग थे। मैंने पढ़ा भी था, मेरे को फायदा हुआ था। ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे थे, अर्थक्वेक वगैरह के टॉपिक्स, एक दो क्वेश्चन वहां से मैच कर गए थे। तो मैंने तरुण गोयल की जो ज्योग्राफी, उसमें जेके जनरल नॉलेज की बुक है, मैंने वहां से पढ़ा था। और वहां से मेरे को ये सारी चीजें बड़ी आसान हो गई थी। वेस्ट बंगाल के लिए थोड़ा एक मसला है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक तो है नहीं। तो इस सेक्शन में मेरे को बहुत डर था। एक एक टीचर है हमारे यहाँ रेस में, उनका नाम है शाकिब सर। उन्होंने एक दिन मुझे बैठाकर वेस्ट बंगाल के ऊपर एक क्लास दिया था, मुझे एक या दो दिन शायद। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में किसी जगह पे इंटरव्यू देते वक्त कहा था कि मुझे दूसरे लोगों ने बड़ी मदद करी है, मैंने डिस्कस के जरिए ज्यादा सीखा है। इस चैनल पे तो मैं बहुत ज्यादा फ्रेंकली अभी तक उस तरह से आ नहीं पाया हूँ। कभी मौका मिला, अगर आप लोगों ने पसंद किया तो मैं अपना जो जर्नी है रहा है उसको भी एक दिन डिस्कस कर लूंगा। अभी जस्ट ये कि इस जर्नी में जिन लोगों ने मदद करी है उन लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, सारी जिंदगी रहूंगा कि उन लोगों ने थोड़ी थोड़ी मदद करी है। तो ये जो जियोग्राफी में वेस्ट बंगाल वाला पार्ट था, इन्होंने अपनी मदद करी। इनकी अपनी एक एक ये जब क्लास लेते हैं तो अपना एक स्ट्रेटेजी है पढ़ाने का, मेरे साथ उन्होंने डिस्कस किया था। कई दिन ऑनलाइन मेरी मदद करी थी इन्होंने, अपनी कॉपी के कुछ पेजेस मुझे फॉरवर्ड करे थे। इन्होंने टाइम टू टाइम मुझे गाइड किया कि हाँ भाई इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ये भी मेंस दे रहे थे और इंशाल्लाह एक दो साल में ये सारे लोग भी मेरे साथ शरीक होंगे कामयाबी में। तो अब इन लोगों की मदद से मैंने ज्योग्राफी का ये पोर्शन थोड़ा आसान कर लिया और मेरा मार्क्स उठा उसमें। थोड़ी सी बात करते हैं इस हिस्ट्री के मैटर में। देखिए हिस्ट्री, अब क्या बोलूँ, हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है बचपन से। फेवरेट सब्जेक्ट होने का मतलब समझ ही लीजिए कि मुझे कितना डिटेल पढ़ने का शौक है इसका। तो एंशियंट तो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट टॉपिक था नहीं, मेडाइवल मुझे बहुत पसंद था, अभी भी मैं पढ़ता हूँ। INN तो मतलब समझिए कि क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत खतरनाक लेवल में INN मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वो मेरे स्ट्रेटेजी में आपको थोड़ी देर में शेयर करूंगा। तो इस पोर्शन से अगर मान लीजिए थोड़ा आप नोटिस करें, मैं 2020 में एग्जाम दिया, मैंने 19 में मेंस दिया है, मैंने 2018 में मेंस दिया और 7 में मेंस दिया। इन चारों साल में एंशियंट से क्वेश्चन कम आए थे। इन चारों का आप अगर टोटल यहां तक जाए तो 2022 को छोड़ दें अगर, तो एंशियंट पे क्वेश्चन आते नहीं है। एंशियंट याद भी नहीं होता था मेरे को, खासकर वो पाला और सेन और मिडाइवल इंडिया के स्टार्ट होने के बिल्कुल पहले वाला जो पीरियड था, साउदर्न संगम एरिया, ये सब मुझे थोड़ा थोड़ा मेरा वीक पॉइंट है वहां पर, तो मैं उसको पढ़ता भी नहीं था। ठीक है, मैं क्या करता था कि ये जो टॉपिक है मैं एग्जाम से एक दो दिन पहले देखना स्टार्ट करता था और वो चल जाता था। लेकिन गुप्ता पीरियड से पहले तक जितने भी डायनेस्टी आई थी उसका एक कॉमन ट्रेंड है, किसी भी एग्जाम में कॉमन ट्रेंड है। अगर आप एनालिसिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा। स्पेशली WBCS में ऐसा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो हो रहा है, नहीं है किसी भी एग्जाम में, आप SSC वगैरह, रेलवे वगैरह, जिसमें भी आप देखते हैं यही चीज आती थी। तो उसमें होता क्या है कि प्री गुप्ता पीरियड में जितने भी डायनेस्टीज थी, ठीक है, एग्जाम में जनरली यही आता है, हर यंग की डायनेस्टी से स्टार्ट होता है और इसके बाद क्रोनोलॉजिकली आपको सारे, क्रोनोलॉजिकली सारे डायनेस्टी को याद करने, सिर्फ डायनेस्टीज को याद करने से नहीं चलेगा, इसमें दो चीजें पढ़नी है, इसके फर्स्ट रूलर, इसके लास्ट रूलर, इसमें एक और आएगा पावरफुल, अगर कोई है तो पावरफुल रूलर, और एक से दो कोई रूलर जो है इंपॉर्टेंट नोटेबल काम या डिस्टिंक्ट
एक्टिविटी परफॉर्म किया है तो वो चीजें पढ़ लेनी है बस। इससे ज्यादा आप अगर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो मुझे लगता नहीं है कि प्रीलिम्स में कुछ बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसका एग्जाम्पल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दो चार क्वेश्चन को छोड़ दें जो रिपीटेड है, जैसे बनभट्ट की बुक हुई या गौतम बुद्ध पे एक दो क्वेश्चन से रिपीटेड है, अदरवाइज रिपीटेशन बहुत कम है। अब रिपीटेशन कम है या ज्यादा है इसको अगर आप नहीं फोकस करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा नुकसान यही होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने खुद इस चीज को महसूस किया है, मिथ बना दिया गया है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लीजिए तो 70%, 80%, 50% मैच कर जाएगा। कुछ नहीं मैच करता है भाई, कुछ मैच नहीं करता, आपकी गलतफहमी है। थोड़ा पॉलिटी में मैच कर जाता है, थोड़ा इकोनॉमी में मैच कर जाता है, लेकिन हम इन दोनों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में बहुत कम, हार्डली 10 से 15% क्वेश्चन मैंने जो नोटिस किया है रिपीटेशन होते हैं, अदरवाइज सारे क्वेश्चन नए देते हैं और यहीं पे मार खा जाते हैं हम लोग। कोई भी बुक, अगर मैं कल को एक बुक लिखता हूँ तो मैं भी चाहूंगा बुक बिके, तो थोड़ा सा नया मसाला तो देना ही पड़ेगा मेरे को। अगर मैं मसाला नया नहीं देता हूँ तो मेरी बुक अब क्यों खरीदें। तो जो बुक आ रही है उसमें हर क्वेश्चन के पीछे दो चार स्टेटमेंट आपको लिख दिया, आपको लगा बड़ी अच्छी बुक है, नो डाउट वो स्टेटमेंट काम आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई जब तो ट्यूशन पढ़ रहे थे ना कहीं पर, इससे ज्यादा तो वहां बता दिया गया था। अगर आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं उस बुक को, तो ये कंटेंट तो आपको ऑलरेडी वहां मिला है, तो फिर फालतू में इतना एक लमसम अमाउंट इस बुक पे खर्च करके फायदा क्या है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से आप एनालिसिस कीजिए, अपना काम कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन चूंकि हम दूसरों की बातों पे ज्यादा डिपेंडेंट रहने के शौकीन हो गए हैं, अपने पे भरोसा कम होता है, और डेफिनेटली अगर रिजल्ट नहीं आता तो अपना कॉन्फिडेंस तो वीक होता ही है। मेरा ये मानना है कि अगर एक बार भी आपका किसी रिजल्ट किसी एग्जाम में भले एक ही स्टेज आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जाग जाता है। ये चीजें बहुत जरूरी है। तो पहला तो एंशियंट में ये एक ब्रीफ करना है। दूसरा, जब आप दिल्ली सुल्तानत पढ़ते हैं तो दिल्ली सुल्तानत से क्वेश्चन दो तरीके आते हैं। मिडाइवल में तीन सेक्शन है मिडाइवल के, एक तो सूफिज्म है, सूफी मूवमेंट, दूसरा है दिल्ली सुल्तानत और तीसरा है मुगल। ठीक है, मुगल से अगर आपने नोटिस किया होगा ना तो मतलब इतना ही कम क्वेश्चन मुगल से पूछा है कि हम क्या बोले आपको। अकबर के ऊपर, बाबर के ऊपर, एक दो जहांगीर के ऊपर, ब्रिटिश से कनेक्टेड है, फरूख शियार पे क्वेश्चन है, मोहम्मद सर रंगीला पे क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर पे है, और ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल मतलब अगर आप किसी भी एग्जाम के बारे में ढंग से पढ़ रहे होंगे ना तो वहां से क्वेश्चन उठा के डाल दिया होगा, ऐसा लगता है। बहुत डीपली कुछ है नहीं। लेटर मुगल से क्वेश्चन कुछ ज्यादा रहते हैं क्योंकि वो मॉडर्न इंडिया का पार्ट कवर कर लेता है, बट बहुत ही ज्यादा रहता है ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में कैसे मिलेगा। दिल्ली सुल्तानत में देखिए, दिल्ली सुल्तानत में सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो अलाउद्दीन खिलजी से आता है, अगर किसी एक रूलर की बात करें तो। ठीक है, इसके अलावा डायनेस्टी की बात करें तो आपका रजिया सुल्तान, बलबन, इल्तुतमिश, तीनों पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं अगर स्लेव डायनेस्टी से जाए। दूसरा एक तुगलक डायनेस्टी है, तो तुगलक डायनेस्टी से क्वेश्चन जहां तक मैंने देखा है मतलब भाई दो ही आया है वहां पे, एक मोहम्मद बिन तुगलक से आया हुआ है और एक फिरोज शाह तुगलक से आया, फिरोज शाह तुगलक से क्वेश्चन ज्यादा है, एक दो बार क्वेश्चन गियासुद्दीन तुगलक पे आ गया है, इसके अलावा ज्यादा है नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि वो तैमूर ने इंडिया में किसके टेरियर में अटैक किया था, तो नसीरुद्दीन फिरोज शाह। तो ऐसे कुछ गिने चुने क्वेश्चन वहां पर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन डीपली आते नहीं है। मेंस का लेवल में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो मेंस में देखा जाएगा कैसे क्या करना है, बट प्रीलिम्स में तो मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा डीपली आते नहीं है। तो अब आप सोचो कि जब आप प्रीलिम्स के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को और आप पढ़ रहे हैं मेंस की तैयारी, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप तो ना प्रीलिम्स के लिए तैयार है और ना मेंस के लिए तैयार है। सूफिज्म पे क्वेश्चन गिना चुना आता है, कभी नानक पे आ गया, इसका कोई फिक्स है ही नहीं है, कभी नानक पे आ गया, कभी सिख गुरुओं पे आ गया, कभी आपका वो चैतन्य श्री चैतन्य पे आ गया, कभी मीराबाई पे आ गया, ये सब एक बार क्वेश्चन आता है, रिपीटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन आते हैं, तो इसके पीछे अगर हम थोड़ी देर बाद मेहनत करें तो चलेगा, जहां से क्वेश्चन ज्यादा था फोकस करें ना, यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। जब हम मॉडर्न में आते हैं तो मॉडर्न में देखिए राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, सोशल रिफॉर्म जिसकी बात करते हैं, सोशल रिफॉर्म से दो तीन क्वेश्चन आते ही रहते हैं हर साल, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ ही जाता है। सती पे क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछे गए हैं, विद्यासागर पे क्वेश्चन कंपेरेटिवली कम पूछे गए हैं लेकिन आए हैं, स्वामी विवेकानंदा का एक क्वेश्चन है, आर्य समाज का क्वेश्चन है, ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन मैंने नोटिस किया है। नोटिस करने का मतलब ऐसे नहीं कि बाकी नहीं आए हैं, आए हैं, कम आए हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते रहे हैं।
सोशल रिफॉर्म से जब आप आते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, एक क्वेश्चन आता है इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन लैंड होल्डर सोसाइटी पे आता है, लैंड होल्डर सोसाइटी, और एक आता है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये तीनों ऐसे टॉपिक हैं जिसपे एक से दो स्टेटमेंट ही पढ़ना है, और ज्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा वो आपके पास आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब कांग्रेस पे लाइन से चार पांच क्वेश्चन तो शुरू में बन जाता है, पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन था, पहला प्रेसिडेंट कौन था, वेन्यू कहाँ था, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने कब पहली मरतबा जनगणमन पढ़ा था, वंदे मातरम पढ़ा था, मतलब कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो आपको जुबानी तौर पे इसको मिल ही जाएंगे, रिपीटेड आते हैं उसमें। नेक्स्ट में एक लाहौर सेशन आपका फेमस है, तो कांग्रेस के जितने भी सेशन है से, उनमें से गिने चुने आपको सेशन को पढ़ लेने का है। बेटर तो है कि आप 1935 तक सारे सेशन को पढ़ लें, सबसे अच्छा तो यही है, ठीक है, इसमें क्योंकि कभी भी कुछ भी क्वेश्चन इसमें आ जाता है। इसके बाद जब गांधीयन एरा आता है ना भाई, मार्क्स यही उठता है, गांधीयन एरा। मैंने अपना एक नोट्स बनाया था, मैं जनरली नोट्स नहीं बनाता हूँ, ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के चक्कर में स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक नोट्स बनाया था, ये नोट मेरे लिए जो है ना एक पूरी बुक से कम नहीं है, जबरदस्त बनाया मैंने, तो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ बट मेरे को बहुत फायदा हुआ, जिस किसी को मैंने दिया उसने सिर्फ मेरी उस मेहनत को बोला है भाई कुछ दिया तुमने, तो खैर मैं उसको अभी तो आपसे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कोई इतना टेक्निकल बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी मौका मिला तो मैं कभी इसको जरूर शेयर करूंगा गांधीयन। अभी इनकम्प्लीट है मेरे पास, फिर मैं कम्प्लीट कर नहीं पाया, जो है वही शेयर कर दूंगा, उतना ही बहुत है मेरे लिए। तो इस गांधीयन एरा से जो है ना इसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज है कि मूवीज वगैरह से इस पे कुछ आपका एक ऑलरेडी परसेप्शन बना हुआ है, एक नॉलेज आपका है कि हाँ इसमें भगत सिंह ने ऐसा किया था, बोस ने ऐसा किया था, बहुत सारा कॉन्ट्रोवर्सीज आपके सामने खड़े रहेंगे तो उसके कुछ इंटरेस्ट आ जाते हैं। ये पोर्शन को मैं आपको बोलूंगा कि ल्यूशन वगैरह से नहीं पढ़कर अगर आप किसी बुक से पढ़ते हैं ना डिस्क्रिप्टिव में तो बहुत अच्छा है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि पढ़ाई कैसी करी जाए। देखिए सारे प्रॉब्लम्स का एक समाधान है, ल्यूशन जनरल नॉलेज या फिर तरुण गोयल, इन दोनों से बेहतर मेरे को कोई बुक ही नहीं दिखी अब तक। लोग बोलते हैं सर कितना पढ़ो कितना पढ़ो, मेरा बोलना है पहले ल्यूशन एक बार ढंग से रट जाइए, फिर बात कीजिए कि इसके अंदर आंसर है या नहीं है, अगर आंसर नहीं है तो फिर देखा जाएगा, है तो फिर हम कर क्या रहे, हम लोग ल्यूशन को पढ़ना नहीं चाहते। हिस्ट्री में एंशियंट मिडेवल और मुगल डायनेस्टी तक ये पूरा बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम थोड़ा सा INM के बाद का पोर्शन पढ़ते हैं, INM तक भी ये ठीक है, ल्यूशन में जो दिया है टिल INM जबरदस्त है, उसके बाद के इन्फॉर्मेशन अच्छे नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद के इन्फॉर्मेशन को मैं प्रेफर करता हूँ लेटर पार्ट के लिए, कि आप अगर उसको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते हैं ना तो ज्यादा अच्छा होगा। एक बुक है स्पेक्ट्रम, ठीक है, कभी नहीं पढ़ने का मेरे हिसाब से तो पढ़ना ही नहीं है। एक बुक है कृष्णा रेड्डी, भाई मैंने तो ये बुक खरीदी थी, मैं क्या बोलूँ उसको पढ़ना ही नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाले थे। एक बुक है क्या, एक 1857 ऐसा कुछ, एक मजुमदार राइटर का नाम है। ये सारी बुक को कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, ठीक है, पढ़ना कहाँ है, कोई भी एक आप वेबसाइट में एक एक बुक है पूनम दलाल, आप इसकी बुक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है पूनम दलाल, इसको भी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। मैंने पढ़ा था आधी बुक, मैंने 2 दिन में पढ़ लिया था, उसके बाद मैंने पढ़ना बंद कर दिया। इस बुक के अंदर जितना डिटेल दिया हुआ है, बुक के हर चैप्टर के एंड में एक बॉक्स बनाकर एक जिस्ट दिया हुआ है, अगर आप इस जिस्ट को पढ़ ले रहे ना तो इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ लिए, तो आप पहले जिस्ट पढ़ लो, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो अंदर में डिस्क्रिप्टिव दिया है या जिस्ट करके दिया, और बड़े अच्छे अंदाज से दिया है, मुझे तो बड़ी पसंद आई थी, मैं आपको अगर आप मेरे से पूछो तो रिकमेंड भी कर सकते, जितना इसमें दिया था मोर और लेस मेरे को अलहमदिल्ला वो नॉलेज था, तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा या नुकसान ऐसा कुछ नहीं फेस करना पड़ा। लेकिन अगर मुझसे आप पूछो कि ये बुक कैसी है, मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बुक है पूनम दलाल, ये बुक तो आप ले सकते हैं। INM का पार्ट यहाँ बड़ा अच्छा से दिया। एक और आपको मिल जाएगा, बहुत सारे IAS कोचिंग सेंटर है, विजन IAS है, क्रॉनिकल, एक मेरे ख्याल से क्रॉनिकल एक है, क्रॉनिकल IAS, इसके हिस्ट्री के नोट्स बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
डिस्क्रिप्टिव में, मतलब मुझे याद नहीं है बहुत पहले मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने पढ़ा था इसको। प्रोबेबली क्रॉनिकल आईएएस या शायद विजन आईएएस, दोनों में कोई एक होगा। जहाँ तक मुझे याद है क्रॉनिकल का ही था। इसका हिस्ट्री का नोट्स बहुत अच्छा था, मुझे पसंद आया था। मैंने मॉडर्न इंडिया यहीं से पढ़ता है। एंशेंट वगैरह के लिए मैंने वही एग्जाम से एक दो दिन पहले आना, वही है तो क्या फायदा सरदर्द पाल के, तो वो मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता था। ज्योग्राफी के लिए मेरा एक वीक सेक्शन था। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ठीक है, मुझे कुछ लोगों ने हेल्प करी है, लेकिन मैं गधा स्टूडेंट था, उनकी हेल्प मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं हुई। थोड़ी फायदेमंद रही, जो कुछ चीजें मतलब रटी रटाई आनी है वो तो मेरे को बहुत फायदा किया, लेकिन हिमालयन फिजियोग्राफी और रिवर सिस्टम, इन दोनों में मेरे को बड़ी दिक्कत थी याद करने में। तो एक बुक आती है पेरियर्स इंडियन जियोग्राफी, मेरी बुक थोड़ी अटपटी रह सकती है, आप लोग को रिनाउंड बुक की तरह नाम ना मिले, तो आप पेरियर्स इंडियन जियोग्राफी आप इसको एक बार देखिए, मजा आएगा पढ़ने में, बहुत जबरदस्त बनाया है, बहुत जबरदस्त। तो अगर आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करी तो ये दो सब्जेक्ट्स तो मेरे को मिल गए पेपर का। ज्योग्राफी के लिए एक चीज और आप कर सकते हैं यहाँ पर एक नंबर। दूसरा है कि मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन आपके पास वक्त मिले तो जरूर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है, वक्त मिले तो एक मृणाल बोल के एक वेबसाइट है, मृणाल, इस वेबसाइट पे ज्योग्राफी के बारे में बोला गया। ये जो ज्योग्राफी है ठीक है, ये ज्योग्राफी ऑफ अर्थ बहुत अच्छा दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, इस पे क्वेश्चन आता नहीं है, तो समझने के लिए आप यहाँ पढ़ सकते हैं जिस स्टाइल में पढ़ा जाना चाहिए कि यहाँ देख सकते हैं, बट प्रेफरेबल मेरे लिए नहीं है। आप इसको पढ़ लेते हैं ये काफी है, और लीशन वगैरह देख लीजिए। तरुण गोयल के बुक से लास्ट 2 साल से मैंने नोटिस किया है, तरुण गोयल के बुक से ज्यादातर क्वेश्चन ज्योग्राफी को उठाए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर तरुण गोयल की बुक भी पढ़ सकते हैं। तरुण गोयल की ये देखना चाहे तो देख सकते हैं, वरना बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। इकोनॉमी की जब बात आती है, देखिए भाई इकोनॉमी तो मेरा जो हाल था, क्या बोलूं मैं, 2017 में जब मैंने पहली मरतबा क्वालिफाई किया था तो बहुत सारे दोस्तों से मैंने मदद मांगी थी, अच्छा वो उन लोगों ने मदद नहीं करी मेरी, 2 महीना कट गया, बचा था मेरे पास 1.5 महीना, करता क्या। तो मैंने इसके लिए अच्छी बुक तो मेरे पास अभी भी नहीं है, मतलब मैंने रियली मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सी बुक को फॉलो किया जाए, लेकिन मैंने एक एक बुक खरीदी थी मैंने, उस बुक का नाम था तफज्जुल हुसैन, इकोनॉमी बाय प्रोबेबली तफज्जुल हुसैन ही नाम है, तफज्जुल हुसैन इंग्लिश में बुक थी। बुक के अंदर का मैटर मेरे को बहुत ज्यादा काम नहीं आया, लेकिन इसके पीछे में जो एमसीक्यूज दिए हुए थे ना, लाजवाब था, बहुत अच्छा, मतलब बहुत बेहतरीन एमसीक्यू, बड़ी मदद करी मेरी यहाँ पर। तो ये बुक मैं आपको प्रेफर नहीं कर सकता हूँ कि कैसा लगे नहीं लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा काम नहीं आया था, लेकिन इसके एमसीक्यू आपको मिले ना, उसको बनाइए, जबरदस्त बनाया एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर ही था लेकिन बहुत अच्छे से आए इसके। एक और मैंने मदद ली थी मृणाल की, मृणाल के इकोनॉमी की। अब इसमें क्या मसला था वो समझाता हूँ मैं आपको। देखिए ये जो क्लासेस है ना, ये पूरा आईएएस के क्लासेस है, तो फर्स्ट कुछ एपिसोड अगर आप देख लेते हैं ना, हार्डली 20 to 25, बहुत ज्यादा, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, मतलब आप किसी बुक को इकोनॉमी की अगर किसी बुक को पढ़ते हैं ना, आपको पढ़ने में मजा आएगा। इस वीडियो में डब्ल्यूबीसीएस से कुछ नहीं आने वाला है, इक्का दुक्का आ जाए तो अलग बात है, लेकिन इस वीडियो का फायदा क्या है ना, हाउ टू डील विथ इकोनॉमी, ये आपको यहाँ समझ में आएगा जबरदस्त तरीके से आएगा। तो वक्त मिले तो इसे कुछ वीडियोस देखिए। मैंने इस वीडियो के कुछ नोट्स बना लिए थे, अपने तरीके से नोट्स बनाया था, मतलब मैं आपको अगर वो नोट्स शेयर भी करूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, मतलब मैंने एरो बनाकर, समझ में आ ही रहा होगा मेरे मेरा तरीका क्या है बनाने का, तो एरो बनाकर ऐसे वैसे बनाकर जैसे तैसे समझ में आना था मेरे को, समझ में आ गया। एग्जाम में पहले जहाँ मेरा 0 आ रहा था, इस वीडियो के देखने के बाद और ये तफज्जुल हुसैन की इस बुक को फॉलो करने के बाद जो एमसीक्यू थे, मेरे कुछ मार्क्स आने लगे थे, शुरू में तो खराब थे, लेकिन कहीं पे पढ़ाने का मौका मिला था तो थोड़ी सी इकोनॉमी पढ़ाने के चक्कर में अच्छी हो गई थी मेरी, तो ये कुछ मेरे को फायदा हुआ इकोनॉमी से। पॉलिटी के लिए मैंने कोई बुक फॉलो नहीं करी, ये मेरे क्या बोलूं, मैं बोल सकता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा रोल महेंद्राज का है। महेंद्राज में मैं पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ कभी कभी, तो ओकेजनल है वहां पर मेरा जाना। महेंद्राज में इन लोगों ने, महेंद्राज ने मुझे 2016 में पॉलिटी पढ़ाने का मौका दिया, मैंने 2 बैचेस में पढ़ाया पॉलिटी,
और मेरे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है इनके फीडबैक्स, क्योंकि मेरी पॉलिटी खुद जीरो थी, मतलब समझो कि एक हादसा हुआ था, गुस्सा में चला गया मैं पॉलिटी पढ़ाने के लिए, तो स्टूडेंट्स को पसंद आया, फीडबैक अच्छा लगा, तो इनका बहुत बड़ा रोल था मोटिवेशन में, मेरे को मोटिवेट किया। तीसरा था मेरे वहाँ पे एक, मैंने कहा था कि डिस्कशन मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो एक सुनील कुमार सिंह टीचर थे वहाँ पर, उनसे मैंने डिस्कस किया कई बार कई मुद्दों पे। शुरू में ये मेरे को गाइड करते थे, बाद में ये मेरे से कभी कभी गाइड लेने लगे, तो ऐसा लगा कि नहीं मैं भी समझ रहा हूँ। इस बीच में मैंने गूगल पे कई सारे पॉइंट्स को सर्च करना शुरू किया, तो यहाँ से चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगी। एक बुक पूरी तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि मुझे डिटेल पढ़ना है, वो पॉलिटी मैक बुक की एक पॉलिटी आती है, ये बुक आप ले सकते हैं। मैंने इसको कुछ हद तक पढ़ा है और मुझे काफी फायदा हुआ था। कोई भी चैप्टर आपको पूरा नहीं पढ़ना है इसमें, आधा 50% के बाद जो इंफॉर्मेशन दिया वो बोगस है, वो किसी एग्जाम में अपने को आने का नहीं है। WBCS पॉइंट ऑफ व्यू से तो आना ही नहीं है, लेकिन हाँ फर्स्ट पार्ट में हर चैप्टर का जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छे से दिया हुआ है। थोड़ा वन लाइनर टाइप का है, लेकिन थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी उसमें मेंटेन किया गया है, मतलब ठीक है, ओवरऑल बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बुक है यहाँ पर। अदरवाइज आप ल्यूशन तरुण गोयल कोई भी पढ़ लेते तो पॉलिटी, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का सबसे इजी टॉपिक का नाम है पॉलिटी, आराम से आप वहां पे उठा सकते हैं, पॉलिटी मार्क्स मिल जाएगा। तो ज्यादातर रोल तो मेरे स्टूडेंट्स ने ही मेरे को सिखा दिया है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्वेश्चन इतना ज्यादा करते थे कि उससे बहुत सारी चीजें क्लियरिटी होती थी, जो नहीं मालूम है वो इनकी वजह से मालूम हो जाता था। तो ये सारी इस तरह के मैंने कुछ चारों सब्जेक्ट्स तो निकाल लिए। इंग्लिश का मामला ऐसा था कि CGL देने के दौरान इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन कुछ हद तक मेरा बेहतर हो गया था, और मेरी राइटिंग स्किल भले अच्छी थी नहीं थी इंग्लिश में, लेकिन उर्दू में मेरी थोड़ी ठीक थी। मैं कई बार न्यूज़पेपर में लिखा था तो वो आर्टिकल छपने लगे थे, भले उस वक्त दूसरे के नाम से लिखता था, अपने नाम से भी एक दो बार छपा, तो इससे काफी मोटिवेशन आ गया था कि नहीं शायद मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं लिख सकता हूँ। अब होता है ना कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा फर्क नहीं होता है, मेरे को ना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैंने लिखना ही बंद कर दिया। फिर भी ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि शुरू से लिखने का जो एक अंदाज था मेरा, कई लोगों ने तारीफ करी थी, स्कूल के टीचर, ट्यूशन के टीचर्स ने मेरी तारीफ करी थी 9-10 में कि नहीं अच्छा लिखते हो, तो वो एक प्लस पॉइंट था मेरे पास। जब एग्जाम देने गया तो वहां पे भी इसका कुछ फीडबैक नजर आया कि नहीं शायद ठीक ही लिखा हूँ, लिखने का अंदाज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे। बहुत अच्छी उर्दू नहीं है मेरी, लेकिन ठीक ठाक लिख लेता हूँ। इंग्लिश भी उसी तरह से मैंने चला दिया कि बस लिखना है, तो इंग्लिश जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है उसमें तो सिर्फ आपको लिखने या सोचने का जो हुनर है उसी पे टिकता है, लेकिन जब प्रीलिम्स की बात करते हैं तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक मैंने देखा नहीं है कि सारे इन्फॉर्मेशन मिले। फिर भी मैंने जो नोटिस किया है इंग्लिश के लिए, सॉरी, मैंने इत्तेफाक से कॉलेज स्ट्रीट में मुझे एक बुक मिल गई थी, ट्रेजरी ऑफ वर्ड्स, एक दुकानदार ने बोला इसको लेके जाओ फिर देखना, तो इसमें से जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो सेट है ना, जबरदस्त था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत बहुत हेल्प किया मेरे को ये, उस वक्त मेरे पास ये इकलौती बुक थी, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ से रट गया था, और कोई चीज तो यहाँ से रटने का मुझे समझ में आया नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा था कि थोड़ी मुश्किल हो गई थी मेरे को, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने इसका पूरा फायदा उठाया। मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी यहीं से उठा के दिए, उनका भी फीडबैक ठीक ठाक ही मेरे को मिला। दूसरा, मैंने नोटिस किया है ऐसा कि जो सिनोनिम एंटोनिम या इडियम्स या प्रोवर्ब्स आता है, ये ज्यादातर ये लोग कवर करते हैं एसपी बख्शी बोल के एक बुक आती है इंग्लिश की, तो ये लोग यहाँ से कवर करते हैं। इवन WBPSC ही नहीं, WBPSC के साथ एक और सेट है WBMSC, म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन, ये दोनों इंस्टीट्यूशन को मैंने नोटिस किया है कि इनके इंग्लिश के क्वेश्चन ज्यादातर प्रेफर्ड होते हैं एसपी बख्शी से। जरूरी नहीं कि एसपी बख्शी से ही आएगा, लेकिन मैंने देखा कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं इंडियन सर्विस तो काम आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी बुक दी थी मेरे को कि सर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो फ्रेजेस हैं और इडियोम्स है, एंटोनिम सिनोनिम, वो मार्क कर दीजिए, तो इन लोगों की वो मार्किंग के चक्कर में मैंने पढ़ लिया, क्योंकि मेरे पास बुक तो ज्यादा थी नहीं उस वक्त, थोड़ी बुक से मेरी दूरी थी, तो ऐसे करके मैंने कभी भी स्टूडेंट को अपने से दूर नहीं समझा है, उनकी मदद से ही मैं आज तक यहाँ पहुंचा हूँ जो भी हूँ, उनकी इसी सब के इनायत की वजह से कुछ न कुछ वक्त के साथ फायदा होता चला गया। उर्दू का तो खैर कभी डर था ही नहीं, प्रीलिम्स में आता भी नहीं है, और पहला पेपर का डर था नहीं। दूसरा पेपर का साथ जो मेरे साथ जो हुआ वो
कभी फिर बात करूंगा उर्दू वालों के लिए, ये तो कॉमन था सबके लिए। तो इस तरह की सारी चीजें मैंने कर करके कुछ सब्जेक्ट्स को मेंटेन किया। अब जो बच गए दो सब्जेक्ट्स वो है मैथ और रीजनिंग। रीजनिंग का तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह रीजनिंग हमेशा मेरा सही रहा है, तो इसलिए कभी डर था नहीं मेरे को। मैथ के बारे में ऐसा बोल सकते हैं कि मैं महिंद्रा में पहले मैथ ही पढ़ाता था, और ये मैथ मैं सीजीएल को पढ़ाता था, एसएससी सीजीएल को। तो आप समझ लीजिए कि सीजीएल को मैथ पढ़ाने का मतलब है आपका मैथ ठीक ठाक हो जाएगा। इवन पता नहीं मुझे कितनी अच्छी बात है या नहीं, मैं 2012 से सीजीएल दे रहा था, जितनी बार 2018 तक मैंने सीजीएल दिया है। मैंने 2014 में एंड तक गया था, रीअसेसमेंट के बाद मैं वहां से फेल हो गया। 2015 में तो खैर मेरे ऊपर पुलिस केस ही हो गया था, कंप्लेंट कर दिया था तो अलाउड नहीं किया। 16 में मैं एग्जाम देने नहीं गया था, देरी हो गई। 17 में मैंने फिर से एग्जाम दिया, मैंने क्वालिफाई किया और मुझे सिर्फ 25 नंबर चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए, मैं वो एग्जाम देने नहीं गया। 18 में मैंने फॉर्म भरकर एग्जाम दिया नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तब तक खत्म हो चुका था। 2014 से मेरा इंटरेस्ट डब्ल्यूबीसीएस की तरफ आ गया था और मैं इधर ही फोकस कर रहा था। तो इसमें हुआ क्या, आखिर मैंने इस बात क्यों करी कि 2012 से 18 तक मैंने एग्जाम दिया। इसमें मैंने जितनी बार सीजीएल में बैठा उतनी बार मैंने मेंस दिया, दो बार मेंस के आगे भी गया हूँ, दो बार मैं, एक बार तो मेंस देने नहीं सका, एक बार देने नहीं गया, और 16 में पहुंच नहीं पाया था। वो मेरी अपनी गलती थी, गलत ट्रेन की वजह से पहुंच नहीं पाया, लेकिन कॉन्फिडेंस मेरा बहुत बूस्ट कर गया था कि भाई बैठने का मतलब अगर मेंस में बैठना है तो इसका मतलब मेरे कुछ टॉपिक तो सही है। तो उसमें मैथ जो था ना मेरा प्लस पॉइंट था, मतलब मेरे को मैथ ने जितना बचाया है शायद किसी सब्जेक्ट ने नहीं बचाया। इवन 2020 के मेंस में थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, मेरा अपना एक स्ट्रेटेजी था कि कुछ क्वेश्चन से जो फिक्स होते हैं कभी चेंज नहीं होते, वो क्वेश्चन आया तो उसका आंसर मेरे को याद होना चाहिए। अब चूंकि 5 साल हो चुका था सीजीएल मैथ पढ़ाना बंद किए हुए सीजीएल लेवल का, तो 2020 में क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ा, वरना एग्जाम में तो और क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते थे। शायद 150 या 170 के करीब मेरे कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे। थोड़ा सा अगर मैं ध्यान से करता तो मेरा और भी ज्यादा हो सकता है प्रोबेबली, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। अभी आरटीआई के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, देखूँ अगर मिल जाता है तो आपको बता दूंगा मैंने क्या किया नहीं किया। तो इस तरह से मेरा मैथ तो हमेशा स्ट्रांग रहा है, मेरे को इसके लिए न कल मेरे को फिक्र थी ना आज फिक्र है, और अब तो खैर इंशाल्लाह नहीं होगी। प्लस अभी भी मैं पढ़ाता ही हूँ मैथ्स, तो मैथ एक तरह का प्रैक्टिस में हमेशा रहा है। उन लोगों के लिए हमेशा नए बैचेस के लिए कोशिश करता हूँ नए क्वेश्चन बनाने का, तो एक रिविजन भी हो जाता है, नए क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। जैसे बैचेस आए, अगर स्ट्रांग स्टूडेंट के बैचेस आए जिनका मैथ स्ट्रांग है तो उनके लिए अलग लेवल का क्वेश्चन रहता है, तो वहां से भी मेहनत हो जाती थी। तो इस तरह करके मैंने, आपने नोटिस किया होगा मैंने सारे सब्जेक्ट शायद बोल दिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी, हाँ मैंने अपनी तैयारी करी और फिर मेंस के लिए मैं बैठा। मेंस के लिए मैंने थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी अपनाई थी, पढ़ाई तो कम किया था मैंने, क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा किया था। खैर वो फिर कभी बात होगी उस पर, अभी तो इतना ही है। अब दूसरा स्टेज जो था, क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सबसे पहले तो अपने को क्या बोलूं मैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी नहीं तोड़ना है, कभी नहीं तोड़ने का है। दूसरे का निकल रहा है मेरा नहीं निकल रहा है, निकलेगा मेरा, उसकी कुछ एडवांटेजेस थे उसके, उससे कुछ अपने डिसएडवांटेज होंगे, मेरा कुछ अपना एडवांटेज है, मेरा कुछ अपना डिसएडवांटेज है, मैं उस पर काम करूंगा, मैं निकलूंगा। जैसे मैंने बोला ना मेरा इकोनॉमी 0 था, पॉलिटिक्स 0 था, मेरा बहुत सारा सब्जेक्ट 0 था। थोड़ा वक्त लगा करते करते करते, अगर मेरे को 7 अटेम्प्ट लग गया यहाँ तक पहुंचने में, तो इसका ये नहीं था कि मैं 7 अटेम्प्ट में फेल होता चला गया हूँ, कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी वजह थी ये थी कि भाई मेरे को मैथ्स और इंग्लिश के अलावा कुछ भी मेरा क्लियर नहीं था, हिस्ट्री एक छोड़ दिया मैंने। पॉलिटिक्स थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मेरी ठीक होने लगी थी, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। तो इस तरह से करते करते सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने में मुझे काफी टाइम लग गया। शायद वो सब्जेक्ट्स मेरे कंप्लीट रहते हैं तो मेरे को वक्त लगता नहीं, बट इस पूरी जर्नी में मैंने कभी भी अपने कॉन्फिडेंस पे डाउट नहीं किया। मेरी कमी थी, उस कमी को ठीक कर रहा है, लेकिन मेरे से नहीं होगा ऐसा नहीं था, होगा। हाँ ऐसा नहीं है कि मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ या डिस्परेट नहीं हुआ, बिल्कुल होता था, लेकिन मैं जब भी कोई भी उदासी की हालत में रहता मैं रात को प्रेफर करता हूँ। रात को उदास होना है, सो जाना है, सवेरे उठना है, जिंदगी बिल्कुल फिट फाट चाहिए। आज भी मेरा यही पॉलिसी है कि जितनी उदासी चाहिए रात को, सोने में सब भूल जाऊंगा, लेकिन दिन मेरे को सही चाहिए। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं कुछ नहीं। दूसरा है डू नॉट कंपेयर,
आप खुद को कभी भी कंपेयर मत कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है ना भाई। एक ही डॉक्टर के यहाँ मान लीजिए जुकाम हो गई आपकी, तो आपको जो दवा देगा वही डॉक्टर आपके बगल में और एक आदमी बैठा है उसको भी जुकाम हो गया तो वही दवा उसको देगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। दोनों के जुकाम मतलब सर्दी हो जाना, ठीक है, कोल्ड एंड कफ एंड कोल्ड वाला जो मैटर है, अगर दोनों के देखने में लग रहा है कि सर्दी लगा हुआ है लेकिन दोनों का इंटेंसिटी अलग होगा तो दोनों की दवाएं भी अलग होंगी। तो याद रखिएगा, जब आप कंपेयर करते हैं कि फला का हो गया मेरा नहीं हुआ, भाई उसके साथ बहुत सी चीजें नहीं होंगी जो उसके लिए बेनिफिशियल थी, आपके साथ वो नहीं है, तो आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आपके हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है और आप दो पूरी की पूरी बॉडी से कंपेयर कर रहे हैं कि उसकी बॉडी, उसकी मेंटेलिटी, उसके हालात सब एक जैसे थे। मेरी पहचान में जितने लोग थे वो सब एक एक करके, मेरी पहचान बहुत छोटी थी, एक या दो लोग ही मेरी पहचान में थे। इवन आप यकीन नहीं मानोगे, अभी मैं WBCS क्वालिफाई किया हूँ तो सिवाय मेरे स्टूडेंट्स के किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं क्वालिफाई किया हूँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। फ्रेंड सर्कल ही बहुत लिमिटेड है, जो कुछ लोग साथ में पढ़ाते थे और जो कुछ फ्रेंड्स क्योंकि वीडियोज वगैरह आने लगे तो उनको पता लगे कि हाँ कुछ मिल गया है, अदरवाइज किसी को फर्क ही नहीं पड़ना था क्योंकि कोई देता नहीं है। तो एक तरह से ये भी ठीक था कि कोई कंपैरिजन के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, लेकिन भाई ये लोग जब बोलता है ना, भाई कब तक देगा एग्जाम यार, फिर बड़ा गंदा लगता था, क्योंकि ये लोग ये नहीं समझ रहा कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कोई बताने वाला नहीं है, ट्यूशन पढ़ने की जो अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे पास, टेस्ट नहीं दे पा रहा था। एक बार मैंने टेस्ट के लिए अप्लाई किया था तो मेरे को परमिशन नहीं मिली। ऑफिस में काम करो, मॉर्निंग में काम करो, मतलब कुछ था नहीं, जो मोबाइल में पढ़ पा रहा था वही पढ़ पा रहा था, बस में रहते अगर MCQ कर लिया कभी कभार पढ़ लिया, नहीं तो MCQ ही ज्यादातर मैं प्रेफर करता था। तो मैंने इन सारी फील्ड में अपनी कमी पे काम किया है, दूसरे को देख के मैंने अपना माथा नहीं फोड़ा है कि भाई उसका हो गया तो मेरा क्यों नहीं, उसका हो गया बहुत अच्छी बात है, मेरा भी इंशाल्लाह होगा, लगे रहना बहुत जरूरी था। इवन आज भी मेरे ऑफिस में एक ऑफिसर आए, पहले वो WBCS ही थे, छोड़कर वो ऑफिस में आ गए यहाँ पर, उन्होंने बोला कि चलो बहुत अच्छा है तुम DSP हो गए, लगे रहने का फायदा देखे ना, बहुत जरूरी चीज है लगे रहना। तो आप कंपैरिजन मत करो, कोई रोकने वाला आपको नहीं मिलेगा। तीसरी चीज है, आपको इग्नोरेंस सीखना पड़ेगा। इग्नोरेंस तो सबसे पहले घर वाले से ही सीखना पड़ेगा, लोग बहुत ताना कसेंगे, बहुत मजाक उड़ाएगा, आपको इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, कान का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इधर से लेना है इधर से निकाल देने का, जो चीजें अच्छी है रखना है, नहीं अच्छी है बाहर निकाल देने का। अगर आप हर चीज को दिल पे लेके करेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो कभी भी दिल पे नहीं लेने का। पांचवा, कभी भी सिलेबस कंप्लीशन के पीछे नहीं भागने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस कंप्लीशन। आप सारी जिंदगी दे देंगे तो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाने वाले, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट हो रहा है, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा, ज्यादा कैंडिडेट्स तो नहीं है, 50 कैंडिडेट्स इस बार हुए हैं, हम लोगों ने ज्यादा अलाउड भी नहीं कर रखा है। अब इनमें दो टेस्ट हुआ, दो टेस्ट का अपना अपना कुछ हम लोगों ने पैटर्न निकाला कि 3 टेस्ट सिलेबस बेस्ड होंगे और 3 टेस्ट जो है वो मिक्स्ड होंगे जैसे आते हैं, और 200 क्वेश्चन के ही होंगे। अब तक तो रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा आया है। अब इसमें जो मैंने सिलेबस दिया है मैंने टॉपिक वाइज लिखा था, चैप्टर वाइज नहीं लिखा था, तो अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है सर कैसे कम्प्लीट करें। मैंने बोला भाई टॉपिक वाइज लिखा है इसलिए कि टॉपिक पढ़ने में मुश्किल से 15-20 मिनट लगता है, लेकिन एक चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल मिल जाएगा। हालांकि पढ़ना तो वही चीज है लेकिन आपको छोटा छोटा करके पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको चीजें छोटी छोटी मिले तो पढ़ने में मजा आएगा, एक बल्कि मिलेगा तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तो ये सबसे बड़ी मुसीबत होने वाली है आपके साथ। अब यहाँ पर देखो कि अक्सर लोग बोलता है भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो, अरे भाई सिलेबस कंप्लीट जिंदगी में नहीं होने वाला, कोई एक आदमी आप निकलवा दो जिसका सिलेबस कंप्लीट हुआ, नहीं होने वाला है। चौथी चीज है बुक्स, तो बुक्स में आप जनरली यूट्यूब या कहीं भी आपको जो बुक्स के रिकमेंड किए जाते हैं वो IAS लेवल की बुक्स की जाती है, बिल्कुल नहीं करना है आपको IAS की बुक करनी नहीं। मैंने कभी लक्ष्मीकांत बुक प्रेफर नहीं किया WBCS के लिए, आप पढ़कर WBCS नहीं निकाल सकते, ठीक है, नॉलेज मिल सकता है क्योंकि WBCS 1 लाइनर टाइप का आता है और MCQ जब आप पढ़ते हैं तो 1 लाइनर वहां से मिल जाता है, एल्यूशन वगैरह की जो बुक्स रिलीवेंसी ज्यादा है उसकी रादर देन लक्ष्मीकांत की। हाँ लक्ष्मीकांत समझने के लिए बहुत अच्छी बुक, इसमें कोई शक नहीं, तो लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कितना काम आएगा ये पहले मैटर करता है, सिर्फ लक्ष्मीकांत बुक है तो ही अच्छा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है, एक या दो चैप्टर्स मैंने पढ़ा था फिर मैं समझ गया कि नहीं इससे मेरा काम नहीं बनेगा, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऐप से पढ़ना शुरू किया, कुछ वेबसाइट से पढ़ा, कुछ डिस्कशन वगैरह, और बाकी तो क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स ने सिखाया हुआ तो जबरदस्त गाइडेंस।
आईएएस वाला ही जो बुक लिस्ट है उसको आप फॉलो नहीं करना। आपने नोटिस भी किया होगा मैंने जो भी बुक लिस्ट कही है बुक्स की, आप एक बार बुक्स को जरूर जाकर देखें कि जो बुक मैंने ज्योग्राफी की कही है या हिस्ट्री की कही है या पॉलिटी की कही है वो बुक कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। एक और बुक मैं बताना भूल गया साइंस के बारे में, मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ। साइंस की अवस्था बहुत खराब थी मेरी, लेकिन एक बुक मिली गनीमत से, हालांकि उसको उसका फायदा उठाने से पहले ही मेरा डीएसपी में नाम आ गया है, फिर भी बुक अच्छी लगी, मैं उसको पढ़ रहा था कुछ वक्त पहले तक, तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। ये कुछ चीजें रही। अब यहाँ पर एक चीज और करनी है कि ये जो आईएएस की बुक्स, ये बुक्स नहीं करनी है, सिलेबस कंप्लीशन में जाना नहीं है। एक और बड़ा मसला है कि हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्टडी। देखो अगर मेरे साथ मजबूरियां थी तो मैं एक्सेप्शन तो हूं नहीं कि आसमान से उतरा हूं, आपके साथ भी मजबूरियां हो सकती है। मेरी दिली दुआ है कि आपकी मजबूरियां अल्लाह जल्दी कम कर दे, और आप इतनी दिल जान लगा के पढ़ रहे हैं तो आपके मुश्किल आसान हो तो आप भी कामयाब हो। लेकिन भाई सेल्फ स्टडी से एग्जाम नहीं निकलेगा, ये याद रखो, ठीक है। अपने आप को मजबूर मत करो। मैंने ये मजबूरी अपने पे पाली थी, 7 साल लग गया मेरे को, 7 साल के मैं समझो कि कॉम्पिटेटिव फील्ड में मैंने टोटल 11 साल दिया है। इसमें कुछ अच्छी चीजें भी रही, ऐसा नहीं कि 11 साल मैं फेल ही हुआ हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ऐसा ना लगे कि मैं 11 साल फेल हुआ। मैंने 2011 में पहला एग्जाम दिया था सीएचएसएल का, क्वालिफाई नहीं कर पाया, पहला एग्जाम था तो मेरा मुश्किल था। दूसरा 2012 में मैंने सीजीएल दिया था, और 2 बैंक्स के एग्जाम दिए थे, एक केएमसी का एग्जाम दिया था, तो केएमसी के एग्जाम में मेरा नाम आ गया, बैंक के एग्जाम में मेरा नाम नहीं आया था। सीजीएल में 2012 में ही मैं क्वालिफाई कर गया था तो हिम्मत बढ़ गई थी। 2013 में सॉरी केएमसी का एग्जाम 2013 में हुआ था, मेरा नाम उसमें आ गया था फर्स्ट अटैम्प्ट में। 2013 में मिसलेनियस का पहला, 2012 में जो नोटिफिकेशन आया था उसको मैंने क्वालिफाई किया। 2016 में मेरे को ज्वाइनिंग भी मिली थी एज अ यूथ ऑफिसर, लेकिन मिस गाइडेंस माशाल्लाह मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहा है तो मैंने उसको ज्वाइन नहीं कर पाया। बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सीजीएल का तो मैं बता ही चुका हूँ। बीच में अभी हाल फिलहाल लास्ट ईयर मैंने एनटीपीसी का लेवल 6 क्वालिफाई किया था, बट चश्मे की वजह से मेरे को बाहर निकलना पड़ा। तो कुछ दुख तो मेरी भी थी, ऐसा नहीं कि मैं इतने साल बस एक ही के पीछे भागा रहा। ईपीएफओ का एग्जाम दिया था मैंने एक बार, एपीएफसी का एग्जाम दिया था एक बार, बट वो सब मेरे लेवल का था नहीं तो थोड़ा सा मैं फेल कर गया। मेहनत उसके लिए थोड़ी कम भी हुई थी, लेकिन एग्जाम्स मैंने बहुत कम दिए हैं, मेरा टारगेट था। आपको मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आज की डेट में कि आप प्लान ए पे काम करो, एक एग्जाम तो और साथ में लेके चलो, किसी एक पे पहले कंप्लीट करो फिर दूसरे की पढ़ाई करना, ये मेरा बोलना है, लेकिन एक से ज्यादा पे करो। तो सेल्फ स्टडी कभी मत करना। इसमें आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हो जाऊंगा, इसमें लॉस बहुत है दोस्त। देखो मैंने सेल्फ स्टडी करी है, मेरे साथ प्रॉब्लम्स थी, मेरे पास जॉब था, एक एडवांटेज भी था मेरे पास, ठीक है, वो जॉब प्रॉब्लम भी थी और जॉब मेरा एडवांटेज भी था, कुछ नहीं तो कम से कम जॉब तो है मेरे पास। आज की डेट में मैं बता रहा हूँ आपको कि डीएसपी को ज्वाइनिंग करने से ज्यादा केएमसी में रेजिग्नेशन की खुशी है मुझे। कब मैं रिजाइन करूंगा सोचो, मैं कितना फ्रस्ट्रेट हुआ वहां, अपने से कम एफिशिएंट लोगों को अपने ऊपर बैठता देखकर बड़ी तकलीफ होती थी कि मतलब बेवकूफी किए जा रहे हैं और मजबूरी में उन लोगों को ऑर्डर फॉलो करना पड़ा। ऐसा नहीं कि आगे में ऐसा नहीं होगा, हो सकता है वहां भी होगा, लेकिन कम से कम आज एक ढंग की जगह पर तो खुशी इस बात की थी वहां पर। तो सेल्फ स्टडी में कोचिंग पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा था, पैसे की भी थोड़ी किल्लत थी, बुक्स की भी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी और मैं बुक्स पढ़ना प्रेफर भी नहीं कर रहा था, तो इसलिए सेल्फ स्टडी में मेरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। अगर यही चीज़ मुझे कोई कोचिंग सेंटर से मिल जाता ना, बहुत बकवास भी पढ़ाया होता ना, तो भी मेरे को टाइम कम लगता। कोचिंग सेंटर्स यहाँ पे सारे अच्छे नहीं पढ़ाते, वो आप जब एडमिशन लेंगे कहीं तो समझ में आ जाएगा। इवन मैंने अपना कोचिंग सेंटर रेस वालों को बोल के जो स्टार्ट करवाया है, अपना ही समझिए मेरा, मतलब इतना ज़्यादा बॉन्डिंग है कि वो अपना ही है मेरा, इतनी ज़्यादा मेरे को फ्रीडम मिली है। तो जो रेस की मैनेजमेंट टीम है जिसका मैं एक मेंबर भी हूँ, तो मैनेजमेंट टीम ने मेरी पूरी बात को फुल्ली इम्प्लीमेंट किया है। इकलौता कोचिंग सेंटर जहाँ पे मैंने जिस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहा, जिस चीज़ को पढ़ाने का जो तरीका मैंने किया उसको लोगों ने इम्प्लीमेंट किया अकॉर्डिंगली। थोड़ी मुश्किलात रही लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा उसका। तो और भी इस तरह के कोचिंग सेंटर आपके आसपास में होंगे, उनको ढूंढिए, थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिए, होमवर्क कीजिए, जहां भी आप पढ़े मसला नहीं है, हमारे यहाँ भी आप आ सकते हैं, लेकिन कहीं भी आप पढ़े अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़िए। अगर वो 80% 20% 80% 70% भी आपको दे रहा ना, तो यकीन मानिए आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी।
ये एक हवा है कि सेल्फ स्टडी कर लेंगे तो बहुत इज्जत मिलेगी। देखिए, इज्जत कुर्सी की मिलेगी सर, चाहे आप जिन लोगों को करप्शन के बेसिस पे जॉब मिला हुआ है उनको भी बड़ी इज्जत मिली है। 2017 में एक बंदे का बिना एग्जाम दिए ही टॉपर हो गया बंगाल का, केस भी चल रहा है। मेरे को ताज्जुब इस बात पे नहीं थी कि उसको टॉपर बना दिया गया, ताज्जुब इस बात पे थी कि जब ट्रेनिंग के बाद बाकी लोगों ने उनके साथ सेल्फी खिंचवाने में बहुत प्राउड फील किया था, मुझे ये लगा कि भाई अगर मैं वहां होता ना तो मैं कभी सेल्फी नहीं खिंचवाता ऐसे आदमी के साथ जो इस तरह से आया हुआ, क्योंकि मेरा ऑनर को वहां पे ठेस पहुंचती। लेकिन लोग उसके साथ खिंचवा रहे हैं, क्यों तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, इसलिए कि वो उसकी उसका जगह मैटर करता है। तो आपकी मेहनत कैसे आप कर रहे कोई मैटर नहीं करता, कोई बगल वाला बता दे रहा बहुत अच्छा है नंबर से मतलब। तो कोशिश कीजिए कि सेल्फ स्टडी को कोचिंग के जरिए हासिल करें, पहले कोचिंग फिर सेल्फ स्टडी। यूट्यूब वगैरह पे बहुत अच्छे चैनल्स, बहुत ज्यादा अच्छे चैनल्स नहीं है, कुछ कुछ चैनल्स वाकई बहुत अच्छे हैं, मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ज्यादातर चैनल सब मतलब हवा हवाई पे ही काम करता है। WBCS ओरिएंटेड जो बंगाली में कुछ चैनल्स होंगे तो मैंने उनको देखा नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो हिंदी में जो चैनल चलते हैं वो चैनल बहुत अच्छे मेरे को तो नहीं लगे। तो एक को छोड़ दो तो मेरे को अच्छे नहीं लगे, तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना, मनोरंजन पे कुछ वीडियोस अवेलेबल है, मनोरंजन पे हिस्ट्री भी है, बट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरह से कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो सेल्फ स्टडी को कोशिश करना कोचिंग से, कोचिंग के बाद करने का। आप में से बहुतों को शायद लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ किस्मत बड़ी अच्छी है मेरी, आजकल टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, आज की डेट में सोशल मीडिया पे पेपर में हर चीज आ रहा है, तो आप नोटिस करेंगे फेलिसिटेशन प्रोग्राम्स बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के हो रहे हैं। मेरी उर्दू थी ऑप्शनल, तो आप उर्दू मीडियम कोचिंग सेंटर जो भी है आपको वहाँ भी कहीं भी मेरा फेलिसिटेशन प्रोग्राम आपको नहीं देखने मिलेगा या तस्वीर नहीं मिलेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे को मौका ही नहीं मिला कहीं पढ़ने का। अगर मेरे को मिला होता ना मौका तो यकीन मानिए कोचिंग सेंटर वाले मुझे नोच खाए होते कि नहीं मेरे पास फोटो खिंचो, मेरे पास फोटो खिंचो। तो एक तरह से इसको मैं बोल सकता हूँ कि मेरे लिए बैज ऑफ ऑनर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि ऐसा ऑनर मत लो। ठीक है, मैंने कुछ बेवकूफी करी है तो आप भी बेवकूफी करोगे जरूरी, आप पढ़ाई करो, किसी जगह पे पढ़ो, अच्छे टीचर से पढ़ो। और अगर डिस्कशन करना है ना तो सक्सेसफुल लोगों से डिस्कशन मत करो, जो फेल हो रहे हैं उनसे पूछो, मेहनती लड़के, क्योंकि वो जो आपको बताएगा ना। देखिए, एक आजकल तो कई जगह पे सक्सेस स्टोरी का एक ट्रेंड चला हुआ है, मेरे को भी कई जगह पे वीडियो बनाने को ऑफर किया गया और मैंने बनाया भी, मैंने इनकम्प्लीट वीडियो वहां पे कही, सारी बातें क्या करूं, कभी मौका मिला तो बहुत लंबी बात होगी। मेरा ये मानना है सक्सेस स्टोरी कुछ नहीं है, सक्सेस सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, स्टोरी सिर्फ फेलियर की होती है सिर्फ, और अनफॉर्चुनेटली उन फेलियर को लोग देखना पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी मेहनत किसी वजह से रंग नहीं लाई थी, बट वो मेहनत बहुत किया था। तो सक्सेस के पीछे जरूर भागिए लेकिन सक्सेसफुल लोगों के पीछे मत भागिए, आप भागिए उनके पीछे जो काफी स्ट्रगल किया है। आपको वो जब गाइडेंस देगा ना सर, लगेगा कि हाँ रियलिटी है। प्रैक्टिकल बातों को, कोई बात प्रैक्टिकल है या नहीं, आपसे कोरिलेट कर रही कि नहीं, उसका सबसे अच्छा पैरामीटर मेरे हिसाब से है ये है कि जब सामने वाला बोल रहा था आप उसकी बात को कंटिन्यू सुन रहे। ठीक है, और एक चीज, अगर कंटिन्यू सुनने से बात याद आएगी, मोटिवेशनल क्लासेस को भाई बंद कर दो यार, तबाही है ये, तबाही। ठीक है, मोटिवेशनल क्लासेस मतलब मैंने आज तक मोटिवेशनल लेक्चर नहीं दिया कहीं, उसको लगता को मोटिवेशनल अलग बात है, अपनी बातें कहना मोटिवेशनल हो जाने में दोनों में फर्क है। देखो, मेरा ये सिंपल मानना है, अगर आप किसी को, मैं अपने स्टूडेंट से भी बोलता हूँ कि आप घर से उठाकर बैग अगर कोचिंग सेंटर में या लाइब्रेरी में या कहीं पढ़ने जा रहे हैं और आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है तो आपसे ज्यादा मोटिवेटेड दुनिया में कोई नहीं है। आपको मोटिवेशन का और कौन सा कैप्सूल खाना है भाई, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना पसंद नहीं है आप वो सब्जेक्ट जबरदस्ती पढ़ने को राजी हो रहे हैं। हिस्ट्री पसंद नहीं है, पढ़ना है सर मेरे को निकालना है, ज्योग्राफी पसंद नहीं है, पढ़ना है सर, और क्या चाहिए मोटिवेशन के लिए आपको बताइए। किसी की बातें अच्छी लग सकती हैं, बिल्कुल सुनिए, कहाँ इनकार करना, सुननी तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मोटिवेशनल क्लासेस बोल के कोई चलाना इग्नोर कीजिए। आपको मोटिवेशन के लिए किसी के बातों की जरूरत नहीं है, आपको मोटिवेशन के लिए आपकी जरूरत है। आप अगर ये इरादा कर रहे हो और एक बुक ओपन भी कर रहे हो ना, पढ़ सक रहे कि नहीं पढ़ सक रहे वो सेकेंडरी इशू है, अगर आप वो ओपन कर ले रहे ना यकीन मानिए आपसे ज्यादा मोटिवेटेड कोई नहीं है दुनिया में। आप घर से बैग उठा रहे हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर जा रहे हैं, 8-8 घंटा 5-5 घंटा लाइब्रेरी में दे रहे हैं, 2 घंटा का टीचर्स को बर्दाश्त कर रहे हैं, कुछ दोस्तों की चीजों को बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी मैंने कहा कि इग्नोरेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, लोग बहुत ताना देंगे आपको, बहुत कुछ कहेंगे, इन सब को सुनकर भी आप पढ़ रहे हैं, भाई इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या चाहिए आप।
आप जब खुद में भरोसा करेंगे ना सर, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, आपको बाहर से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कमी है वो पूछिए, लोग मदद करेंगे। हम लोग बैठे हैं जहां तक होगा कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जो तकलीफें मैंने उठाई हैं, जहां तक मैंने अपना समझा, उसको शेयर करूं। हो सकता है शायद कुछ फायदा पहुंचे, जरूरी नहीं कि फायदा ही पहुंचे, हो सकता है कि कुछ लोगों को बोरिंग भी लगे। मैंने कहा ना कि एक ही दवा सबको सूट नहीं करता, हो सकता है कि किसी को अच्छा नहीं लगे, बिल्कुल हो सकता है। इन कुछ चीजों को आप ध्यान में रखिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। और कुछ चीजें और जो एग्जाम में फोकस करनी होती है, देखिए एक मॉक टेस्ट, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मेरे यहाँ पे आज ही मैंने जो हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट का पेपर, जो सेकंड मॉक टेस्ट का पेपर चेक हो रहा है, तीन लोगों के पेपर को मैंने लिख दिया, तीन लोगों के पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया है, चेक ही नहीं किया गया। क्यों? हमारे इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा हुआ था कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। इन तीन महारथी ने क्या किया है, ब्लू पेन यूज किया है। इसको कंसिडर किया जा सकता था, हमने कंसिडर नहीं किया। हमारी मैनेजमेंट टीम ने बोला बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं हमें। हमारी कोचिंग का जिन लोगों ने दिया है, कभी मौका मिला तो उनका भी इंटरव्यू एक बार आपके सामने रखूंगा, ताकि वो अपने तासुरात बयान करें कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। कुछ लोग पुराने थे, पिछले साल भी जो दिए थे इस बार भी आए हैं। कुछ लोगों ने मतलब, मैं आपको अगर व्हाट्सएप पे सारे कमेंट्स दिखाना शुरू करूँ तो शायद 3-4 मिनट निकल जाएगा उसमें पढ़ते पढ़ते, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी मेहनत को कुछ फायदा मिला है। शुरू में तो हम लोगों ने फ्री में रखा था, अभी कुछ पेड कर लिया हम लोगों ने, कुछ और प्लान भी कर रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सा टेस्ट फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो उससे परचेज भी कर सकते हैं। उस केस में आपको 300 रुपया पे करना पड़ेगा और हम आपको डिलीवर कर देंगे जहां भी आपको ये क्वेश्चंस चाहिए। 6 सेट होगा, 3 सिलेबस वाइज और 3 जो है वो मिक्स्ड, सारे टोटल वाइज। सिलेबस वाइज भी हम आपको सिलेबस दे देंगे। तो ये सारी चीज अच्छी रही, लेकिन आपने इसको समझा नहीं कि हम जब आपको मॉक दे रहे हैं ना सर, तो हम फील करवा रहे हैं कि हम पीएससी का एग्जाम दिलवा रहे हैं, और आप जब ब्लू पेन यूज करें तो आप हमें फील करवा रहे हैं कि हम आपको कैजुअल ले रहे हैं, तो हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए बर्दाश्त नहीं करेंगे ना सर कि हमने भी बड़ी तकलीफें उठाई। हमारे साथ जो लोग हैं वो अभी भी एग्जाम्स दे रहे हैं, कुछ कुछ कामयाब है, कुछ अपनी जगह, कुछ हमारे टीम में कुछ सरकारी ऑफिसर्स भी हैं और कुछ नहीं भी हैं, क्योंकि हम इस चीज में बिलीव नहीं करते हैं कि ऑफिसर्स को लाना है। हम इस चीज में बिलीव करते हैं कि आपको टीचर्स लाना है, और हम टीचर्स दे रहे हैं। तो बैनर को हम फॉलो नहीं करते हैं सर, चीजें दे रहे हैं, उन चीजों का फीडबैक ये होना चाहिए कि आप भी अच्छे स्टूडेंट बने, तो आप नहीं कर रहे रिजेक्ट हो गए। तो जब आप मॉक दे रहे ना सर, इसकी इज्जत मॉक की तरह कीजिए, कहीं भी दीजिए, जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ दीजिए, बिल्कुल नहीं, आप कहीं भी मॉक दीजिए, बिल्कुल दीजिए सर, ये बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कौन कैसा दे रहा है नहीं दे रहा है, वो आपका अपना पर्सनल मैटर है, आप देखिए, वहां पर अच्छा भी लग सकता है बुरा भी लग सकता है। कभी मौका मिले तो हमारा भी ट्राई कीजिए, फिर समझ में आएगा फर्क। कोशिश कीजिए कि जब हम ऑफलाइन लेते तो यहाँ प्रेजेंट होकर करें वेन्यू में। समझिए कि जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं उस दिन पीएससी का एग्जाम है, सब कुछ कुर्बानी करके आपको वहां जाना था, यहाँ भी आइए। लेकिन आप कहीं भी जाइए मॉक दीजिए, बहुत जरूरी है मॉक। उस मॉक को ना मॉक की तरह दीजिए सर, जिस तरह एग्जाम होता है, रिप्लिका नजर आना चाहिए आपके ऊपर, वो वहशत जारी तारी होना चाहिए कि नहीं मेरे को वही एग्जाम देना है। कल एक मीम मेरे कोचिंग को लेकर बनाया कि नॉर्मल पीपल संडे को बोलते हैं कि आज संडे है, रेस के एस्पायरेंट बोलते हैं आज रेस का सेकेंड मॉक टेस्ट है। थोड़ा मजाहिया जरूर है, लेकिन ये सही है। अगर हम ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रहे तो ये अच्छी चीज। आपको अपने अंदर ये एनवायरनमेंट करना है। कब तक आपको कोई रेस और बहुत सारा इंस्टीट्यूट मिलेगा, कोई नहीं भी रहा तो आप तो रहेंगे ना, आपको अपने अंदर इस चीज को लाना है। हमारा मकसद है हमारा बैनर चले, कोशिश करने की जो अच्छी चीज हम देना चाहें उसको यूटिलाइज करें, आपको फायदा पहुंचाए। लेकिन अगर हम तक आपका अप्रोच नहीं रहा तब क्या करेंगे, पढ़ाई बंद कर देंगे, पढ़ाई तो बंद नहीं कर सकते। और हम आपसे बिल्कुल जुदा तो है नहीं, हम लोगों ने अपना एक चैनल बनाया है आज की डेट में, नीचे में दिया ही हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला रेस इंस्टीट्यूट डॉट कोलकाता यूट्यूब पर है। आप आइए, कमेंट्स में आपको जो भी रिक्वायरमेंट से लिखिए, हम कोशिश करेंगे जहां तक हो पा रहा है उसको फुलफिल करने की। वादा तो नहीं कर रहे, क्योंकि वादा पूरी तरह से निभा पाना शायद मुश्किल हो जाए। हम में से अक्सर लोग खुद भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो हर चीज का वादा करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, जब हम पढ़ा रहे हैं वो तो बिल्कुल बिल्कुल सही है वहाँ, लेकिन
फिर भी आप कोशिश कीजिए ना, कोशिश करने में क्या जाता है, नहीं हुआ तो कम से कम कुछ टेक्स्ट ही तो लिखना पड़ेगा, हमें भी शायद अच्छा लगे कि शायद लोग सुन रहे हैं। कम से कम 10-12 दिन में 155-156 सब्सक्राइबर हो गए, मेरे को तो डाउट था कि 2 भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट आप लोग का शुक्रिया कि आप लोगों ने काफी हिम्मत बढ़ाई है, इतने लोग सुन रहे तभी तो उसके लिए कुछ करना है। तो आप अपने प्रॉब्लम्स लिखिए, कोशिश करेंगे, हम वादा नहीं करें, बट कोशिश ईमानदारी होगी, ईमानदाराना कोशिश होगी कि आपके साथ हम वफादारी कर सकें। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन एक काफी है ये आइडेंटिफिकेशन रिलेशन के, जिस चीज के लिए आज आप मर रहे हैं मैं उसके लिए कल तक मर रहा था सर। तो वो दुख वो तकलीफ मुझे मेरे टीम को मालूम है, एक मॉक टेस्ट के पीछे हमारी टीम कितना मेहनत करती है क्या बताएं आपको। फ्री मॉक टेस्ट करवा रहे थे सर, इसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी आप बोल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन उठा के बना सकते हो, 3-3 महीना 4-4 महीना तक हम मेहनत करते हैं क्वेश्चन बनाने में, थोड़ी कमियां रह जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो भी ठीक है। तो जब हम मेहनत कर रहे हैं ना, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम मेहनत में फेल भी होते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, खुदा ना करे आप मेहनत में फेल कर रहे ना सर, तो आपका नुकसान है। बी सेल्फिश, पर्सनल लाइफ में सेल्फिश मत बनिए, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए मैं मानता हूं सेल्फिश बनिए, कोई नहीं वो अकेला चलेंगे। और रविंद्रनाथ टैगोर का बड़ा अच्छा एक शेर था, जोदी कोई जोदी क्यों तोर साथे ना आसे ताले अकेला शुरू, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ मीनिंग था। ये सारी चीजें हैं, काफी वक्त ले लिया मैं आपका, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा बोरिंग आदमी हूँ तो ध्यान नहीं दे पाया आप लोगों पे, बट कोशिश कीजिए कि जो मैंने कहा है वो चीजें आप अगर इम्प्लीमेंट कर पाए तो शायद कुछ अच्छा नजरिया दिखेगा। कुछ और अगर रिक्वायरमेंट हो तो वीडियो के एंड में कमेंट्स का एक सेक्शन है, आप वो सेक्शन जरूर दे, उसका यूज करें,